खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज ऐसा। विकास खंड विक्रम चौक के ग्राम पंचायत सेवरा लाला के ग्राम रोजगार सेवक पर पिछले 10 वर्षों से बिना कार्य किए मानदेय लेने की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई, जिसमें रोजगार सेवक प्रदीप कुमार सिंह दोषी पाए गए, लेकिन अभी तक दोषी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस मामले को लेकर सेवरा लाला गांव निवासी प्रेम कुमार सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी व जिला अधिकारी बस्ती को पत्र देकर दोषी रोजगार सेवक पर कार्रवाई करने की मांग की है। बता दें कि रोजगार सेवक प्रदीप कुमार के विरुद्ध ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि वह 10 वर्षों से लखनऊ में रहते हैं और रोजगार सेवक के पद पर मानदेय ले रहे हैं। उनके चाचा धीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा मनरेगा का सारा काम देखा जाता है। मास्टर रोल पर फर्जी हस्ताक्षर बनाकर कूट रचित तरीके से शासन को भेज दिया जाता है। बीच बीच में कार्रवाई के डर से वह आकर फोटो खिंचवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा लेती हैं। शिकायत पर रोजगार सेवक प्रदीप कुमार सिंह मुख्य विकास अधिकारी व उप जिलाधिकारी हरैया द्वारा जांच में फर्जी हस्ताक्षर एवं कूट रचित तरीके से मास्टर रोल बनाए जाने के दोषी पाए गए। दोषी पाए जाने पर भी डीसी मनरेगा द्वारा अभी तक प्रदीप कुमार सिंह व उनके चाचा धीरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कि क्या नाम है आपका? भीम सिंह, मैं इसी गांव का रहने वाला, सेवरा ग्राम सभा का रहने वाला। ये बताइए, प्रदीप कुमार सिंह जो हैं इस गांव के, वो ग्राम रोजगार सेवक हैं। हाँ। तो वो कहाँ रहते हैं? वो लखनऊ में रहते हैं, वही कोचिंग चलाते हैं और उनके चाचा वो उनका कारोबार देखते हैं। तो क्या कुछ जानकारी है उनके संबंध में और क्या जानते हैं? अब वो यहाँ रहते ही नहीं है, फर्जी तरीके से गोलमाल चल रहा है। चाचा उनके काम देखते हैं, नौकरी उनकी है, वो यहाँ रहते ही नहीं, वहाँ लखनऊ में कोचिंग सेंटर चलाते हैं। ये कितने दिनों से चला रहे हैं? अरे 10 वर्ष से ऊपर हो गया लगभग। क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम भीम सिंह है, मैं इसी गांव का रहने वाला। हम उसके कंप्लेंटर हैं प्रेम कुमार सिंह उर्फ सैनी। प्रदीप कुमार सिंह की जब से नियुक्ति हुई है आज तक वो लगभग 10 वर्षों से वो सेवरा लाला ग्राम सभा में नहीं रहते हैं, ये लखनऊ में रहते हैं, वहाँ ये अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। यहाँ पर कार्य उनके चाचा वीरेंद्र कुमार सिंह देखते हैं, वही फर्जी मास्टर रोल वगैरह पर फर्जी हस्ताक्षर बनाते हैं। मास्टर रोल पे फर्जी हस्ताक्षर बनाया गया है? बनाया गया है, आज तक बनाते रहे हैं। और उसकी कंप्लेंट हमने जिलाधिकारी महोदय बस्ती और मुख्य विकास अधिकारी महोदय बस्ती और उप जिलाधिकारी महोदय हरैया को बार बार हमने बहुत बार शिकायत किया। उसमें 30 जुलाई को उप जिलाधिकारी महोदय हरैया द्वारा मजिस्ट्रेटियल जांच हुई, जो डोर टू डोर जा कर के हर घर घर जा कर के सबका बयान लिया गया। उसमें ये गांव वालों ने बताया कि वो लखनऊ में रहते हैं, वहाँ कोचिंग सेंटर चलाते हैं, यहाँ उनके कार्य उनके चाचा देखते हैं। मजिस्ट्रेट जाँच के बाद भी लगभग 1.5 महीने से ऊपर समय व्यतीत हो गया, अभी तक अब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण में जब से हम कंप्लेंट किए हैं उसके बाद से ये लखनऊ से भर भर कर आते हैं और यहाँ पर कार्य होते समय का फोटो खिंचवा लेते हैं। वही फ़ोटो वो स्पष्टीकरण में मौखिक रूप से पता चला है गांव वालों से कि वही फ़ोटो ये जो इधर दिखाए हैं। कंप्लेंट से पहले इनका कोई फ़ोटो नहीं है, ये आज तक 10 साल में बिल्कुल एक दिन भी नहीं रहे हैं। इसी ग्राम के वासी हैं और इस प्रकार की शिकायत जो है प्रेम कुमार सिंह ने काफ़ी समय से इस आवाज़ को उठा रखी है और 30 जुलाई को मजिस्ट्रेटियल जांच हुआ था जो है, जिसमें अधिकांशतः लोगों ने जो नरेगा के जॉब कार्ड धारक हैं, मजदूर हैं, उनकी जांच की गई थी, उनसे बात को पूछा गया था। अधिकांश लोगों ने यह बताया था कि वो जो है अपने कार्य पर नहीं रहते हैं और उनके कार्य उनके चाचा ही देखते हैं। जहाँ तक मुझे भी बोध है, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ और उनके कार्य इस कार्य को उनके चाचा ही देखते हैं, जिसकी शिकायत मजिस्ट्रेटियल जांच और पूरी कार्रवाई हुई। मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि यह कार्यवाही डीसी मनरेगा के पास लंबित है और बीच में यह जानकारी हुई थी कि उनसे रोजगार सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया है, किंतु अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बहुत सारी चर्चाएं समाज में ये होती रहती हैं कि बहुत सारे अधिकारी जो खुद आज इस बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, जैसे डीसी मनरेगा ही हुए जो है, ये खुद बिंदु के पद पर रहे हैं,
और यहाँ विक्रम जोत कला विक्रम जोत में बीडियो के पद पर रहे हैं। इनके द्वारा भी उनका वेतन अधिकारी आदित किया गया है और साथ में जो है जो बहुत से बीडियो सेक्रेटरी सबको फंसते फंसाते देख जो है कहीं ना कहीं इस कार्यवाही को गोलमाल किया जा रहा है। अभी तक कोई कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई कार्यवाही की जानकारी नहीं। इस पूरे प्रकरण में प्रेम कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी से मांग की है कि दोषी रोजगार सेवक व उनके चाचा के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।